ओपनिंग हुआ है, लाइक अभी आज ही स्टार्ट हुआ है, तो हम उसका वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे अपना हो रहा है चिकन अफगानी और चिकन तंदूरी। सो गाइस अभी हम लोग हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में, ये लिफ्ट है यहाँ पे, हम यहाँ से आए हैं अंदर। सो गाइस फाइनली हमने ऑर्डर कर दिया है, हमने किया है तंदूरी रोटी और पनीर। सो गाइस बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, बहुत ही स्पाइसी है। अंकल जी यहाँ के ओनर है अमन ढाबा के, तो ये बताएंगे ढाबा के बारे में, आप बताइए कुछ। ढाबा के बारे में बता रहा हूँ कि मैं एक छोटी सी गुमटी से चालू किया। So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? Hope you guys are doing well. So this is me, Jashu Deshmukh, and yeah, अभी हम जा रहे हैं like वहाँ नेहरू नगर में एक अमन ढाबा है, उसका इनॉग्रेशन था 2-3 दिन पहले और आज जस्ट उसका ओपनिंग हुआ है, लाइक अभी आज ही स्टार्ट हुआ है, तो हम उसका वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। लाइक पहले वो ढाबा हुआ करता था एंड अभी वो रेस्टोरेंट के फॉर्म में पूरा रेनोवेट हुआ है, तो अब हम वहीं जा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ का लाइक वो कैसे रेनोवेट हुआ है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है, तो अभी आज ओपनिंग है तो हम अभी जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। सो या लेट्स गो। सो गाइस ये हमारा नेहरू नगर चौक, यहाँ पे हमारा डिलन, यहाँ पे पहले हुआ करता था हमारा पुराना अमन ढाबा, बट नाउ अभी ये वाला है, इसका रेनोवेशन इनॉग्रेशन परसों हुआ था और आज इसका ओपनिंग है। सो गाइस फाइनली हम लोग अमन ढाबा पहुँच चुके हैं और ये कहाँ पे है मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे ये पहले था नेहरू नगर में ढिल्लन के सामने, वहीं पे ये है एज यूजल, बस इनको ढाबा को इसको रेनोवेट करके इसको रेस्टोरेंट के फॉर्म में बनाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ पे है, जस्ट ढिल्लन के जस्ट साइड पे ही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। यहाँ पे अपना हो रहा है चिकन अफगानी और चिकन तंदूरी, क्या मस्त दिख रहा है एकदम, भैया बना रहे हैं यहाँ पे। यो चलो गाइस अपन अंदर चलते हैं यहाँ से। सो गाइस ये इसका एंट्रेंस, अपन चलते हैं यहाँ पे अंदर, देखते हैं कौन बैठा है, अंकल बैठे हैं कि नहीं। सो गाइस ये है हमारे ढाबे का किचन जस्ट एंट्री के राइट साइड पे, और ये है अपना काउंटर, अब अपन चलते हैं ऊपर, यहाँ पे लिफ्ट है, यहाँ से चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में, ये लिफ्ट है यहाँ पे, हम यहाँ से आए हैं अंदर और ये है यहाँ का फर्स्ट फ्लोर का सिटिंग एरिया, बहुत ही अमेजिंग रेनोवेशन हुआ है। इसके बाद जाएंगे हम यहाँ पे रूफ टॉप पे, मना है बोल रहे हैं वहाँ पे चले गए। सो गाइस ये है यहाँ का मेन्यू और अभी हम ऑर्डर करेंगे कुछ डिनर काइंड ऑफ, और बैक से भी दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे पूरा चिकन वगैरह नॉनवेज भाई, बिल्कुल भी लाइक एकदम हाई फाई रेट नहीं है, बहुत ही रीजनेबल रेट है यहाँ का। और मैं यहाँ का बैकग्राउंड दिखा देती हूँ। सो गाइस फाइनली हमने ऑर्डर कर दिया है, हमने किया है तंदूरी रोटी और पनीर पंजाबी ऑर्डर किया हमने, तो अभी आने में टाइम लगेगा। सो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ ये जो ढाबा था वो पहले से ही था, लाइक बस इसका रेनोवेट हुआ है अभी, और यहाँ का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। लाइक हम लोग पहले भी यहाँ पे हमेशा हम लोग को अगर नॉनवेज के नाम से बहुत ही फेमस है, यहाँ का टेस्ट बहुत अमेजिंग है नॉनवेज का, तो हमको जब भी नॉनवेज खाना होता था और क्या ट्रस्टवर्थी भी है नॉनवेज के हिसाब से, तो इसलिए हम यहीं पे आते थे। और अब देखते हैं हम कि यहाँ का वेज का टेस्ट कैसा है, क्योंकि हमने वेज बहुत कम ट्राई किया है और हमेशा हमने यहाँ पे चिकन या नॉनवेज ही ट्राई किया है, तो लेट्स सी कैसा आता है। गाइस फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया है, तंदूरी रोटी और पनीर पंजाबी, अब हम खाएंगे और बताएंगे कि टेस्ट कैसा आया है। तो गाइस बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, बहुत ही स्पाइसी, और हम अब खाते हैं फटाफट से। गाइस अभी हम लोग थे फर्स्ट फ्लोर में, अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर में, अब ऊपर देखते हैं कि कैसा ऊपर का फ्लोर रेनोवेट हुआ है।
सो गाइस यहाँ पे वॉश बेसिन, यहाँ पे वॉशरूम और यहाँ पे भी एज इट इज ही है, नीचे जैसा जैसा नीचे है वैसा ही है यहाँ पे सारे नीचे। और हम पूछेंगे अंकल जी को कि कितना टाइम लगा इस ढाबे को रेनोवेट होने में और कब से है ये ढाबा, सो चलते हैं नीचे। तो भाई अंकल जी यहाँ के ओनर है अमन ढाबा के, तो ये बताएंगे ढाबा के बारे में, आप बताइए कुछ। ढाबा के बारे में बता रहा हूँ कि मैं एक छोटी सी गुमटी से चालू किया था, नगर निगम ने एक गुमटी दी थी उससे चालू किया था और आज भगवान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ये भगवान की और मेरे ग्राहकों का बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए। और कुछ ये 26-27 साल हो गए ढाबे को खोले, अमन ढाबा को 27 साल से है ये ढाबा यहाँ पे नेहरू नगर चौक। और यहाँ पे ओपनिंग वगैरह कब हुआ था? अमन पैदा हुआ था ना 96 में ओपनिंग किया था मैंने। हाँ 1996 में, तब अमन छोटा सा था उस समय, ये अमन के नाम से ही चालू किया था, तब से ये अमन ढाबा ही चल रहा है। बहुत पुराना है, 26-27 साल हो गए इस ढाबे को। और यहाँ ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे ओपनिंग वगैरह कब हुआ था? ओपनिंग यहाँ 11 तारीख को हुआ, पाठ पूजा हुई सब कुछ हुआ, उसके आज 13 तारीख को इसकी ओपनिंग कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वगैरह कितना टाइम लगा पूरा बनने में? ये बनने में 6 महीना लगा मेरे को, 6 महीने बेरोजगार रहा मैं जब गुमटी टूट गई तो। हाँ जाते थे। और ये मेरा बेटा है अमन, अमन आना, अरे आना भैया बोलना दो शब्द याद। और ठीक बेटा, और बस बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हमने लिया है अभी अंकल का इंटरव्यू और अंकल ने पूरा बताया कि ढाबा कब से उन्होंने स्टार्ट किया है, कितना टाइम हो गया। अंकल ने बताया कि इसको 25 to 26 ईयर्स हो गए इस ढाबे को ओपन हुए और अभी इसका रेनोवेशन हुआ है बहुत टाइम बाद। और इसका एक ब्रांच है वो है कोका रोड में मॉल के पास। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, हमारा जो भी था वो हो गया है और बाकी आप यहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिए, यहाँ का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है, मस्ट विजिट दिस रेस्टोरेंट। एंड या लेट्स गो, अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट 9:30 हो गया है, तो बहुत लेट हो गया गाइस, घर में मेरी माँ चिल्लाएगी। तो अपन चलते हैं यहाँ से। गाइस आप पहले ये गैस करो कि ये कौन सा कार है। आई जस्ट लव दिस कार, दिस इज वन ऑफ माय ड्रीम कार। सो आप मुझे कमेंट में बताना कि ये कौन सी कार है। जस्ट लुक एट दिस कार गाइस, लिटरली बहुत सही दिख रहा है, बहुत ही सेक्सी दिख रहा है। सो गाइस आप लोग भी सपोर्ट करो सो दैट अपन ये कार खरीद पाए। गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं घर जाने के लिए, हम लोग घर जाने के लिए निकल गए, अब हम जा रहे हैं घर। पता नहीं कब पहुँचेंगे, बहुत ठंड लगा है इसलिए। ये लोग पता नहीं बिना जैकेट से कैसे घूम रहे हैं, मैं बिल्कुल एकदम मोटा सा जैकेट पहनी हूँ। तो हम इसको एंट्री वो देख वो नहीं पहन जब सब इन दोनों इन लोग स्वेट शर्ट पहने और मैं इतना मोटा सा जैकेट पहनी हूँ जैसे कि एकदम बर्फ गिर रहा है टाइप का। सो गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और मस्ट विजिट दैट ढाबा। एंड या अब हम फटाफट से ड्रेस चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा खा लिया है, पेट बहुत भर गया है। तो या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड कीप सपोर्टिंग कीप लविंग।